अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मन चाहा। मामू ने मतलब इनाम मामू ने, उन्होंने अम्मी से तुम्हारे और महनूर के रिश्ते की बात की और अम्मी मान गई। मेरा वास्ता तुमसे पड़े ना पड़े, मगर तुम्हारा वास्ता मुझसे जरूर पड़ेगा और तुम याद रखोगी। मुझे इंतजार रहेगा। हाँ लड़की, तुम अफसर को जानती हो? जी हाँ, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से इन्होंने आपको बताया है। मैं उसको जाते हुए देख नहीं सकूंगा। जाना उसे नहीं तुम्हें है, क्योंकि ये घर तो तुम उसके नाम कर चुके हो। और जिस घर में मेरी बेटी होगी उस घर पर मैली निगाह में कैसे रखूंगा, कभी सोचा है आपने? बात करते हैं। मेरे वकील की तरफ से भी तलाक के पेपर्स आजकल या एक हफ्ते में मिल जाएंगे। ठीक है, राहील भी उसके बाद ये घर छोड़ेगा। हाँ ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं है, तब तक मैं अदीब के साथ चली जाऊंगी। मरती हो तो मर जाओ, मेरा दिमाग मत खराब करो। जाओ। मैं क्यों मरूं? मरे तो वो कीड़े पड़े उसकी खबर में जो मेरा बसा बसाया घर बर्बाद करने पे तुली हुई है। कोई तुम्हारा घर बर्बाद करने पे नहीं तुला हुआ, ये सब इनाम भाई के बीमार जहन की खराफात है, बात को समझो। वो ये सब कुछ एक अरसे से बोल रहे हैं। अच्छा फिर क्या साबित हुआ, बोलो, कुछ साबित हुआ? नहीं हुआ ना, तो फिर क्यों बकवास कर रही हो मेरे साथ? दिमाग खराब होके रखिए तुम्हारा। मधिया रुको, मेरी बात सुनो। तुम रुको, मैं देखती हूं। क्या हो गया अलकिराज, आहिस्ता चलाओ गाड़ी। क्या आहिस्ता चलाओ गाड़ी। अलवीरा पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मेरा गाड़ी रोको। क्या हो गया अलवीरा, रोज की जगह पर मैं भी होता तो ऐसा ही करता। उसने मुझे डायन कहा, उसने कहा डायन भी साथ घर छोड़ देती है, मतलब पता है तुम्हें इसका? इनफ अलवीरा, बस कर दो। नीचे उतरो। क्या? गाड़ी से नीचे उतरो। पागल तो नहीं हो गई हो तुम? मैंने कहा गाड़ी से नीचे उतरो। रुई बहुत दर्द है। इतनी बड़ी बड़ी घोड़ियां हो गई हो, मजाले को इतनी सी भी समझ हो, हर वक्त का उछल कूद करना तुम लोगों को कब शर्म आएगी, कब ख्याल आएगा? ताईजान मैं तो कहती हूँ आप इसे लगाम डालें। क्या मतलब? अभी आप ही ने कहा ना बड़ी बड़ी घोड़ियां हो गई, मैं तो
तुम तो सबसे ज्यादा लंबी हो, तुम्हें जरा सी भी अकल नहीं है। नहीं 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 ताईजान, ये बात आपने सही नहीं की। आपने कहा बड़ी बड़ी घोड़ियां, लंबी वाली की आपने कोई बात नहीं की। तौबा है तुम लोग। ताईजान मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं सोऊंगी कैसे? तो तुम इस पांव को जागने दो और तुम सो जाओ। बहुत तमीज हो। अच्छा तुम रुको, मैं तुम्हारे पांव पे लगाने कुछ ट्यूब लेकर आती हूँ। आराम से बैठो, मैं लेकर आती हूँ, बस अभी आई अभी आई। अब मधिया, वैसे मैं सोच रही थी। क्या? अब वो ये कि जिसको तुम ललकार कर आई हो, अगर वो यहाँ आ गया तो मैं तो फिर भी भाग लूंगी। तुम लंगड़ी हो, तुम क्या करोगी? रूही, ताईजान, ताईजान इधर आए ना जल्दी। चुप करो रूही। क्या हुआ? अरे लड़कियों, मैं गर्म पानी कर रही थी, तुम्हारे पाँव को लगा। चलो उठो, ताईजान बहुत दर्द है। रूही मैं तुम्हारे चमाट लगा दूंगी, अब बहुत बदतमीज हो। उठो बेटा उठो, चलो उठाओ उसको बहन को, उठाओ। उफ, उफ, क्या कर लिया एक तो तुमने। ताईजान ताईजान आराम से। अच्छा 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 अच्छा, देखा बैठे बैठे क्या मुसीबत कर ली है। रूही आराम से। Pick up the phone, Alvira. Phone kyun nahi utha rahi hai? अरे शुमाइल, नहीं सुनना अम्मी मुझे। मेरी बात सुनो। नहीं शुमाइल। अम्मी बस छोड़ दे मुझे, नहीं बात करनी मुझे किसी से। ये क्या तरीका है और इतना गुस्सा किस बात पर? उस दो टके की रूही ने मुझे आंखों में आंखें डालकर चैलेंज किया है। तो मेरा खून खोल रहा है और आप इतनी आसानी से कह गई तो और क्या कहूं? जिसे तुम दो टके की लड़की कह रही हो, उसके चार जुमलों से तुम्हारी ये हालत हो गई है, आगे जाकर उससे मुकाबला क्या करोगी? वो कहते हैं ना, दुश्मन को ऐसी जगह लाकर मारना चाहिए जहां उसे पानी भी नसीब ना हो। तो फिर मैं क्या करूं? फिलहाल तो तुम्हें सब्र करना चाहिए। अगर तुम इसी तरह जज्बाती रही तो महनूर को इस घर में लाना मुश्किल हो जाएगा। बस एक बार महनूर को इस घर में आ लेने दो। तो फिर बाजी हमारे हाथ में होगी, है ना? Yes. कैसा लगा खाना? अच्छा था। आइसक्रीम खाओगी? आइसक्रीम खाने से मेरे कलेजे में ठंड नहीं पड़ने वाली। इसमें मुस्कुराने वाली क्या बात है? तुम्हें मेरे गुस्से पर हंसी आ रही है?
बस एक बात याद आ गई, तुम वाकई बिल्कुल नहीं बदली, जैसी थी अब भी वैसे ही। तुम भी थोड़े मोटे हो गए हो। अच्छा हाँ, कह तो ठीक रही हो। क्या ख्याल है, कल से जिम शुरू कर दूं? कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही अच्छे लगते हो। एक अरसे के बाद तुम्हारे मुंह से ये लफ्ज सुना बहुत अच्छा लगा। अच्छे ना लगते तो पागल थोड़ा ही हूँ जो यूं तुम्हारे साथ यहाँ बैठी हूँ। तो फिर मसला क्या है, मुंह फुला के बैठी हो? भाई बातें करो, अच्छी अच्छी बातें करने आए ना। आइसक्रीम तुम खा नहीं रही तो कम से कम आइसक्रीम जैसी मीठी मीठी बातें ही कर लो कुछ। मेरा मुंह तो तब ठीक होगा जब तुम अपने भाई से मेरी बेइज्जती का बदला लोगे। क्या मतलब? मतलब जिसने मुझे, वो बेवा जिसे तुम्हारा चक्कर है, ये कहकर मुखातिब किया, वो मुझे भाभी कहेगा तब मुझे सुकून आएगा। ठीक है, बोलेगा मगर कब? अरे होगा ना, और बहुत जल्द होगा, देख लेना तुम। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि इनाम भाई ने तुम्हें पुरानी हैसियत से नहीं पहचाना। अगर तुम्हारी पुरानी शरारत हो जाती तो कितना परेशानी होती, अंदाजा है तुमको? अरे हाँ, पुरानी शिनाख्त से मुझे याद आया, शिमी पापा ने मुझे पहचान लिया है। क्या? वो सबके सामने छुपा गई और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तुम्हारी पुरानी क्लास फेलो हूँ। मेरा नंबर भी लिया उन्होंने। अच्छा, कि परेशानी की बात है क्या? हाँ है भी और शायद नहीं भी, लेकिन एक बात तो है, शमी मापा ने जो तुमसे नंबर लिया है इसका मतलब है कि उनका कोई काम है तुमसे। तो इससे एक बात और सामने आती है। वो क्या? अगर उनका कोई काम तुमसे निकल सकता है तो इसका मतलब साफ है कि वो हमारे काम भी आ सकती है। मतलब शमीम पापा। रूही, मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगा? इतना 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 सा भी डर नहीं लगा? नहीं रूही, पर तुम तो बता रही थी तुमने जो ख्वाब देखा था उसमें इसी तरह से कोई चादर ओढ़कर आया था और तुम बुरी तरह डर गई थी, पर तुम्हें मुझसे क्यों डर नहीं लगा? तुम्हें कैसे पता चला कि ये मैं हूँ? क्योंकि कोई भी रूना तुम्हारी तरह इतनी लंबी नहीं हो सकती। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मैं तो समझती थी सिर्फ जिंदा लड़कियां मेरे जितने कद को तरसती हैं, पर यहाँ तो मुर्दों की भी मुझसे कोई बराबरी नहीं। वाह रूही वाह, ऐसे क्या ख्याल है, रस्सी कूदे? रूही बस एक दफा मुझे ठीक होने दो। रस्सी तो क्या, तुम पड़ोसियों की दीवार कूदना भी भूल जाओगी। पड़ोसियों की दीवार से याद आया, उन दोनों के बीच में जो दीवार आ चुकी है वो किसी तरह हटाई जा सकती है? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस बार शमीम फुप्पो जिस तरह से बात करके गई है ना, मुझे तो लगता है कि अब वो आएंगी और डेट फिक्स करके ही जाएंगी। रूही ये किस्सा ना आप खत्म ही समझो। और ये बात तुम मुझे अब बता रहे हो? मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला है। किस हॉस्पिटल में वो? हॉस्पिटल में थी लेकिन अब उसे राहिल ने घर शिफ्ट करवा दिया। चलो शुक्र है, इसका मतलब है ज्यादा चोटें नहीं लगी होंगी। बजायर तो उसे चोटें नहीं लगी हैं, लेकिन सर पर लगी है और रिब्स पर भी। डॉक्टर ने उसे कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है। तुम उससे मिलने गए थे? बताओ अगर तुम नहीं मिले हो तो मैं मिलने जा रही हूँ, हम साथ ही चलते हैं। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, मैं एक मिनट आया। नहीं, इस किस्से में भी एक ट्विस्ट है।
वो क्या? अगर हम खुफिया तौर पर वासिफ भाई को राजी कर लें कि वो इस रिश्ते से ही इनकार कर दे तो? बात तो तुम ठीक कह रही हो, लेकिन यही बात मानू रापी के गले भी तो पड़ सकती है। वो कैसे? फर्ज करो वासिफ भाई से मानू रापी के लिए बात कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी शादी ना रुकी तो? हाँ, पर तो सारी जिंदगी मानू रापी को ताने मिलते रहेंगे कि उन्होंने कहीं और चक्कर चला लिया। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, जो कुछ शुमाइल करके गई है ना, और जो कुछ वो करेगी उन सबको वो सच भी मान लेंगे। तो एक बात कहूँ मदिया? बोलो। कसम से तुम्हारी शक्ल देखकर ना बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि तुम भी कोई अकल की बात कर सकती हो, कसम से। मैं जा रही हूँ भाई। अरे रूही की बच्ची, रूही मुझे एक बार ठीक हो जाने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ओए मेरा पैर अम्मी, रूही मेरा पैर। हाँ हाँ, मुझे पकड़ तो लो। रूही चुप, मेरा पैर। हाँ रोज, आप कैसे तबीयत है अलवीरा की? अभी अभी डॉक्टर चेक करके गई है, वैसे अल्लाह का बहुत करम रहा है। अच्छा, मैं दीप के साथ तुमसे मिलने आती हूँ। रूही क्या लिख रही हो? मैं अपना नया नॉवल लिख। बोल तो ऐसे रही हो जैसे पहले तुम 2-3 नॉवेल्स लिख चुकी हो और अब ये नया नॉवल लिख रही हो। वैसे आज ना एक पुरानी कहावत अच्छे से समझ आ गई है। वो क्या? वो ही कि बंदे का मुंह अच्छा ना हो ना तो बंदा बातें अच्छी कर लेता है। रूही वैसे मैं कुछ गलत नहीं कह रही हूँ, तुम ना सिर्फ सफ़े काले करती हो और तुम्हारा लिखा हुआ ना सिर्फ तुम ही पढ़ सकती हो, दूसरा और कोई नहीं पढ़ सकता। आपकी सॉरी, तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि रोज जेमिनी ने ना मुझे खुद कहा है कि जब भी अपनी नई नॉवल लिखो तो मुझे जरूर पढ़वाना। रूही सुनो, तुम ना ये नॉवल उसको पढ़ाना ही नहीं, पता है भरम रहेगा। सुनो, मैं ना एक बहुत रोमांटिक नॉवल लिख रही हूँ और उसमें ना एक वैम का किरदार है, तो ऐसा ना हो कि मैं उस किरदार की जगह तुम्हारा नाम लिख दूं, समझी? वैसे फूल को कांटा कहने से ना कोई कांटा नहीं हो जाता, समझी रूही? वाह, गोभी का फूल और वो भी लंगड़ा, क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, अच्छा था। बकवास नहीं करो, ये बताओ मानू रापी कहाँ है? कुछ देर पहले तो दादू के पास थी, अब नहीं पता। दादू के पास? वो क्यों? हाँ, आज दोनों बूढ़ी रूहें मिलकर खूब बातें कर रही हैं। चलो ये भी अच्छा है। अब मैं लिख रही हूँ, मुझे तंग मत करना। रूही मुझे ना नजर नहीं आ रहा, थोड़ा ऐसे करो ना। मत देखो तुम यहां से। रूही थोड़ा ऊपर करो मैं। ओए नहीं नहीं रूही, मैं नहीं पढ़ पा रही कसम से। बेटा अपनी आंखें चेक करो। यार लिख रही रूही, थोड़ा ऐसे करना ताकि मैं कुछ नहीं, जब तुम ऐसे भी कर लोगे मैं नहीं पढ़ पाऊंगी रूही। थोड़ी देर आराम कर लो, सो जाओ, जब तक दवाई का असर भी हो जाएगा और तुम्हारा दर्द भी कुछ कम हो जाएगा।
मैं उन दोनों को रुखसत करके आ रहा हूँ, फिर मैं यहीं तुम्हारे पास रहूंगा। फिक्र मत करना। तुम्हें एलवीरा को हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए था। उसको यहां ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। मैं जानता हूं उसे हॉस्पिटल का माहौल पसंद नहीं है। हॉस्पिटल कुछ शौक से नहीं जाता है, वहां इलाज करवाने के लिए सब जाते हैं। दो बेस्ट डॉक्टर सुबह शाम आकर उसका चेकअप कर रहे हैं। सिर्फ डॉक्टर्स ही जरूरी नहीं होते, नर्सेस भी होती हैं।